हेलो स्टूडेंट्स ऑफ प्लस वन क्लास, मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, चैप्टर नंबर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न बोथ आर एसोसिएटेड इवेंट्स। अब यहाँ आप देखें, मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो अगर आपकी बुक्स पुरानी हैं तो ये डायग्राम चेंज हो चुका है, आप न्यू डायग्राम करेंगे तो इसमें थोड़ा सा आप जब बनाएं तो मेज़र करके बनाएं, मैंने थोड़ा बिना मेज़र करे बनाया है। आपको इसमें एक एम वर्ड दिख रहा है, इसको बोलते हैं एम फेज। जी वन दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट गैप फेज, या इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। फिर एस फेज, सिंथेटिक फेज। सेकंड गैप फेज दैट इज़ कॉल्ड जी टू फेज। अब ये फेजेस एक सेल की साइकिल जो डिवीज़न से पहले होती है उसमें चलते हैं। एम फेज में सेल डिवाइड करती है। अब आप ये देखें, सेल का जो डिवीज़न वाला टाइम है वो बहुत कम है, जो नॉन डिवाइडिंग टाइम है वो सेल का ज़्यादा है। उस नॉन डिवाइडिंग टाइम में आता है फर्स्ट गैप फेज, एस फेज, सेकंड गैप फेज, एम फेज। इसमें मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिखे हैं। इनको मैंने थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लिखा है क्योंकि आपको याद तो इसको ठीक ऑर्डर में करना है। रिवर्स ऑर्डर में लिखा है मैंने, फर्स्ट को साइटोकाइनेसिस, सेकंड इज़ टेलोफेज, थर्ड इज़ एनाफेज, फोर्थ इज़ मेटाफेज एंड फिफ्थ इज़ प्रोफेज। जबकि आपको इनको पढ़ना है फर्स्ट सेल में, जब सेल प्रिपेयर कर रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज आपका क्लास में एक सेक्शन है, उस सेक्शन में 40 की कैपेसिटी है, बच्चे 60 हो जाते हैं। तो 40 की कैपेसिटी है, इसका मतलब हम बेंचेस की भी बात कर रहे हैं और रूम की भी बात कर रहे हैं। और 40 की कैपेसिटी वालों में 60 बच्चे जब बैठते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड बैठेंगे। तो अब हम चाहते हैं कि उसके दो सेक्शन बन जाएं। दो सेक्शन बनने के लिए क्या चाहिएगा हमें? रूम भी चाहिएगा, बेंचेस भी चाहिएंगे, ब्लैक बोर्ड, लेक्चर स्टैंड, चॉक, डस्टर, वही सारा सामान चाहिएगा जो कि पहले वाले रूम में था। तो इसके लिए या तो हमारे पास ऑलरेडी रूम है, स्कूल्स में तो ऑलरेडी होते हैं, पर सेल ऑलरेडी नहीं होती, सेल ग्रो करती है। जैसे एक क्लास है उसमें एडमिशन स्टार्ट हुए, बच्चों का नंबर ग्रो करने लगा, बच्चों का नंबर इंक्रीज करने लगा। हमारी क्लास की लिमिट है, जब नंबर ज़्यादा इंक्रीज करा तो फिर हमने उसको दो में डिवाइड कर दिया, जिसको हमने सेक्शन बोला। तो उनके लिए हमें वही इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो कि पहले वाले सेक्शन में था। अब सेम यहाँ हम बात करेंगे, एक सेल है, हमारी बॉडी में ग्रोथ है, ग्रोथ कंटिन्यूस होती है। अगर हम हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की बात करें, हर बॉडी पार्ट कुछ टाइम के बाद पूरा रिन्यू हो जाता है। हमारी स्किन की बात करें, दो या तीन दिन के बाद स्किन लाइनिंग उतरती हैं और स्किन में जो नीचे वाली स्किन है वो ऊपर आ जाती है। ऐसे लीवर भी रिन्यू होता है, ऑलमोस्ट कुछ सेल की लेंथ बढ़ती है, कुछ सेल रिन्यू होती रहती हैं। ब्रेन सेल रिन्यू नहीं होती, इनको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक सेल्स। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं इन सभी की, तो फर्स्ट गैप फेज, एस फेज एंड सेकंड गैप फेज, इसमें सेल वो सब कुछ प्रिपेयर कर रही है क्योंकि उसने एक नई सेल बनानी है। जैसे एक सेक्शन से दो सेक्शन बने, उनमें फर्नीचर भी आया, ब्लैक बोर्ड भी आया, लेक्चर स्टैंड भी आया, वो सभी चीज़ें आई जो पहले वाले में थी। तो अब सेल ग्रो कर रही है, ग्रो करने के बाद उसको डिवाइड करना है। तो ग्रो करते हुए वो अपने सभी ऑर्गेनेलिस को डबल करेगी, जो भी सेल ऑर्गेनेली हैं, क्रोमोसोम नंबर भी डबल होगा। और एक बात जो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एस फेज है, सिंथेटिक फेज,
डीएनए का अमाउंट 4 times हो जाता है। तो ये सब सेल प्रिपेयर कर रही है अपने आप को। क्यों प्रिपेयर कर रही है? क्योंकि अब एक सेल से 2 cells बननी है ताकि मटेरियल इक्वली डिवाइड हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक सेल है, अब वो सेल ग्रो करी और वो 2 में डिवाइड होगी। ऐसा नहीं कि उसकी जो एक सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिला। एक कहे कि मुझे तो गोल्जी अपरेटस ही नहीं मिला, एक कहे मेरे में तो न्यूक्लियस ही नहीं रहा। ऐसा आज तक कभी रिपोर्ट हुआ ही नहीं है। सेल बिल्कुल इक्वल डिवाइड करती है। और अगर सेल में ये डिवीज़न कैपेसिटी अनकंट्रोल्ड हो जाए तो डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कैंसर हो जाता है। तो ये सेल की प्रेपरेशन है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है डिवीज़न के लिए। तो इसको बोलते हैं बेटा इंटरफेज। सबसे लंबा फेज है, इसको डिवाइड किया गया है फर्स्ट गैप फेज, एस फेज एंड सेकंड गैप फेज। उसके बाद डिवीज़न फेज है एम फेज। एम फेज में फर्स्ट आता है प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस होता है डिवीज़न, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म। अब इसी बीच पहले सेल में न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। जब सेल में न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि न्यूक्लियस को कैरियो बोलते हैं। और जब सेल में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब ये सभी फेज हम कल डिटेल में करेंगे। इससे पहले मैं आपको सेल डिवीज़न के बारे में एक दो बात और बताती हूँ कि जो सेल डिवीज़न है इसमें भी चेक पॉइंट हैं कुछ, कि जीवन फेज है उससे सेल एस फेज में एंटर करेगी या नहीं। चेक पॉइंट में प्रोटीन होते हैं हमारे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये कुछ वर्ड्स जो मैं आज बोल रही हूँ आपको कल याद रखने हैं, क्योंकि कल जब मैं आपको इनकी डिटेल बताऊँगी आप बहुत जल्दी याद कर पाएंगे। CDK का एक रोल होता है सेल को G1 से S फेज में जाने में और G2 से M फेज में जाने में। तो इसको हम बोलते हैं चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट लगे हुए हैं, ये अलाउ करेंगे तो सेल जाएगी, नहीं अलाउ करेंगे तो सेल आगे नहीं जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे अलाउ करते हैं ये हम कल करेंगे। फिर सेल में 2 types की डिवीज़न है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को बोलते हैं हम इक्वेशनल डिवीज़न। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वेशनल डिवीज़न? इक्वेशनल डिवीज़न का मतलब है बेटा जो जिसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहे। आवर सेल है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड इन दिस इक्वेशनल डिवीज़न ऑल द सेल विच आर फॉर्म दे आर ऑल्सो हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारी बॉडी में जहाँ भी ग्रोथ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, उनमें माइटोसिस डिवीज़न होती है। सेकेंड डिवीज़न है मियोसिस। मियोसिस डिवीज़न केवल गैमेट फॉर्मेशन में होती है। अब आपको ये पता होगा व्हाट आर गैमेट? गैमेट आर द स्पेशल सेल विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड गैमेट्स ऑलवेज हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम हैप्लोइड बोलते हैं। हैप्लोइड वर्ड आपने याद रखना है। हैप्लोइड का मतलब है क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट नहीं है। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें आपके पेरेंट्स की, आपके मम्मी के पास 46 क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम पेयर में है। हम कहेंगे 23 पेयर क्रोमोसोम की हैं। वो जो 23 क्रोमोसोम के पेयर हैं, फर्स्ट क्रोमोसोम की बात करें तो फर्स्ट क्रोमोसोम के पेयर में एक क्रोमोसोम उनकी मदर से आया और एक फादर से आया। आपकी बात करें आपका फर्स्ट क्रोमोसोम में एक आपकी मदर का क्रोमोसोम है, एक फादर का क्रोमोसोम है। तो इसका मतलब जिस जाइगोट से आप बने
उसमें 23 क्रोमोसोम मदर के आए और 23 फादर के आए, और जाइगोट में आके उन्होंने पेयर बना लिए। पेयर कब बनते हैं? जब क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं। या सिमिलर क्रोमोसोम का मतलब है कि उन पर सेम टाइप के जीन हैं, सेम पोजीशन पर प्रेजेंट हैं, दे फॉर्म द सिमिलर क्रोमोसोम, और वो पेयर में प्रेजेंट हैं। तो इसके बाद हम मियोसिस भी करेंगे कि मियोसिस डिवीज़न क्या होती है, मियोसिस में गैमीट बनते हैं, मियोसिस में वेरिएशन आती हैं। अगर हमारी बॉडी में लेंथ होती है, हमारी बॉडी कहीं भी इंक्रीज हो रही है, हमारे सेल ऑर्गेनेल इंक्रीज हो रहे हैं, सॉरी सेल इंक्रीज हो रही हैं, ऑर्गन्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज़ बाय माइटोसिस। पर जो गैमीट फॉर्मेशन है, दैट इज़ बाय मियोसिस। फिर एक बात और, अब यहाँ क्रोमोसोम के बिहेवियर की भी बात करेंगे कि क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसे रहता है, क्रोमोसोम कैसे मूव करते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। फिर यहाँ हम बात ये भी करेंगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए क्रोमोसोम एंड जीन। तो ये सब आप इन टर्म्स से फैमिलियर हो जाओ, इसलिए मैंने बताई हैं। तो एक बार ये डायग्राम आप बुक से भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसको आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी एक बार बुक से अच्छे से स्केच करो। ये भी देखना है कि किस फेज़ में ड्यूरेशन ज़्यादा है, फिर कौन सा फेज़ छोटा है, कौन सा उससे बड़ा है। तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करें। नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे।